जब भी मैं ट्वीट करता हूँ मोहन यादव जी को पहुँचाता हूँ पूरे प्रदेश में जाएगा आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पर पंचे को जिताओ। आप जो बीजेपी के लोग आए तो उनको एक मुट्ठी धान दो और कह दो कि भैया इसके दाम दो तो अंदर घुसो नहीं तो बाहर जाओ। सही है गलत? बीजेपी सरकार नहीं तो सुनेगी, मतलब देश को बेचा ले आज तक तिरंगा बिचना, मतलब देश बिचना। लोकसभा चुनाव की लड़ाई तेज हो गई है। भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 7 अप्रैल रविवार को जिले में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा और रोड शो करने बालाघाट जिले के खैरलांजी में निर्धारित समय अवधि के घंटों बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिले के वारसिवनी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खैरलांजी पहुंचे। यहाँ उनके साथ पूर्व विधायक कुणाल चौधरी भी साथ थे। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष संजय उइके, क्षेत्रीय विधायक विवेक विक्की पटेल, विधायक अनुभा मुंजारे, मधु भगत, प्रत्याशी सम्राट सरस्वार, पूर्व सांसद बोध सिंह भगत और कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोश से स्वागत किया। जहाँ उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी के साथ रोड शो करने के लिए निकले। वारसिवनी लाडले विधायक विवेक विक्की पटेल और उनके 3 माह में किए ऐतिहासिक कार्य से प्रभावित होकर रामपाली पिपरिया के भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थामा हाथ का साथ, प्रदेश अध्यक्ष के सामने की कांग्रेस की सदस्यता। इस दौरान एक गांव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ी संख्या में मौजूद महिलाओं से चर्चा करते हुए कहा कि यदि संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी जीत कर दिल्ली पहुंचेंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो महिलाओं को कांग्रेस प्रतिमा 8,500 रुपए देंगी। रोड शो में एक गांव में उन्होंने एक किसान से भेंट की, जहां उन्हें किसान ने डीएपी यूरिया के नकली होने की जानकारी दी। उन्होंने किसानों से कहा कि यदि भाजपा के लोग वोट मांगने आए तो उन्हें एक मुट्ठी धान दो और दाम दो की बात कहे तब अंदर आने दे, अन्यथा बाहर कर दे। जिले में जनता की ओर अपनी ओर आकर्षित करने के लिए नेता पूरी प्रयास कर रहे हैं। जहां गत दिनों बालाघाट प्रवास पर आए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने चाय बनाई थी, तो वहीं 7 अप्रैल को बालाघाट प्रवास पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रोड शो के दौरान गांव के एक होटल में पकौड़ा तलते हुए कहा कि पहले मोदी सरकार कहती थी कि बहुत तो हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, लेकिन महंगाई कम नहीं हुई बल्कि महंगाई और बढ़ गई। इस बार जनता कह रही है बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहेंगे मोदी सरकार। अच्छा क्वांटिटी भी कम है, 50 किलो में बिक रहा है सर। आप नहीं बताओ आदरणीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री साहब, ये बालाघाट में जहां आपने 3100 के दाम की बात की थी कि किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे तो धान का दाम 3100 देंगे, वो तो नहीं दिया।
पर ये खाद है डीएपी जो किसानों को आपकी सरकार दे रही है जो नकली है, न ये खुल रहा है न रिजल्ट दे रहा है। आदरणीय किसान, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र जैतवार, आरम्भा का किसान। आरम्भा का किसान है राजेंद्र जैसवाल जी, में इधर जैतवार जैतवार आदर राजेंद्र जैतवार। तो मोहन भैया, ये नकली खाद आपके राज्य में बिक रहा है, किसान को आप दाम दे नहीं रहे हो, आप रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में 2 घंटे लगाते हो, किसको दुपट्टे पहना दूं, फिर टीवी में फोटो खिंचवा लूं, ये किसानों के हित और अधिकारों की बात मुख्यमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? आदरणीय मोहन यादव जी, नकली खाद यूरिया जो 50 किलो था वो 40 किलो हो गया, ये खाद 50 किलो आता था पूरा, इसको 40 किलो कर दिया, 1200 रुपए की बोरी कर दी, फिर भी नकली दे रहे हो, ऐसा मोहन यादव जी आप मुख्यमंत्री अपना धर्म निभाओ, सही है गलत? सही है। ये अभी मैं ट्वीट करता हूँ और मोहन यादव जी को पहुंचाता हूँ, पूरे प्रदेश में जाएगा, आपकी लड़ाई लड़ेंगे, पर पंचे को जिताओ। आप जो बीजेपी के लोग आए तो उनको एक मुट्ठी धान दो और कह दो कि भैया इसके दाम दो तो अंदर घुसो, नहीं तो बाहर जाओ, सही है गलत? बीजेपी सरकार नहीं तो सुनेगी, मतलब देश को बेचा ले आज तक, तिरंगा बिकना मतलब देश बिकना। आज तक तिरंगा झंडा जो था उसकी मर्यादा थी, मतलब हिंदुस्तान बिक गया, तिरंगा बिका मतलब। एक अच्छा विधवा। अच्छा, सबको राम राम, नमस्कार सबको। मैं ये कह रहा था, कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है इस बार कि जो हमारी बहनें हैं, जो बुजुर्ग हो गई, जो घर में महिलाओं को जब तक आर्थिक संपन्नता नहीं मिलेगी, आर्थिक समृद्धि नहीं मिलेगी, तब तक हम आत्मबल में ला नहीं सकते। तो महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महिला पंजे का जो हाथ के अपर महीने देगी, ये निर्णय कांग्रेस पार्टी ने लिया, हाथ के पंजे ने लिया। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कुछ हो जाए। पहले शिवराज जी आए थे तो उनने कहा था 3,000 हम बहनों को देंगे, चुनाव बाद बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोला था कि नहीं बोला था? तो आपके खाते में 3,000 आने लगे क्या? नहीं आने लगे, बहनों को बोलने दो। तो मुझे ये बताओ, पंजे की सरकार 8,500 देगी तो आप उसको सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये सारस्वर जी जीतेंगे, सांसद बनेंगे तो सबके खातों में 8,500 कांग्रेस पार्टी देगी। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कोई कोताही बरतना मत, कुछ हो जाए, अपना हाथ का पंजा महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर साल 1,00,000 रुपया पर बहन के खाते में डालेंगे हम, 8,500 रुपए के हिसाब से जोड़ लेना, तो ध्यान रखना पंजे का। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।